दोस्तों जितने भी लोग YouTube पर काम करते हैं उनके मन में हमेशा से एक डाउट रहता है कि क्या मैं अपने वीडियो का टाइटल सही से लगा रहा हूँ या नहीं, क्या मैं अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और टैग सही से लगा रहा हूँ या फिर कुछ गलती कर रहा हूँ। तो अगर आपके भी मन में ये सब डाउट चलते रहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देने वाला हूँ। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि किस तरीके से टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग लगाया जाता है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल प्रो यूट्यूबर बनने वाले हैं। आप टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन के मामले में तो सबको पीछे छोड़ने वाले हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा बस उसी तरीके से आपको काम करना है, बिल्कुल इजी तरीका है और सभी बड़े यूट्यूबर इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनकी वीडियोस पर आपको पता ही होगा कि कितनी तेजी से व्यूज आता है। चलिए फिर आज हम आपको वो बताते हैं जो कि कोई भी बड़ा यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि अगर वो बता देता है तो उन्हीं की जैसे आपकी भी वीडियो व्यूज लेकर के आने लगेगी, जो कि वो कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन हम तो चाहेंगे भाई, हम तो बताएंगे आपको, बस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें और आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो सबसे पहले तो आपकी जो भी वीडियो है उसको आपको अपलोड कर देना है YouTube पर जाके। बस वीडियो अपलोड करते टाइम एक छोटा सा काम कर दीजिएगा कि जब भी आप वीडियो को अपलोड करिए वहां पर आप उसको अनलिस्टेड में ही करके अपलोड करिए, डायरेक्ट पब्लिश करके अपलोड मत कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, उसको कट कर देना और आपकी वीडियो बैकग्राउंड में अपलोड होती रहेगी। आपको क्या करना है, यूट्यूब को ओपन करना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद अब आपको जाना है यहां पर सर्च वाले आइकन पर, और यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपकी वीडियो का जो भी टाइटल है सिंपल सा आपको क्या करना है, यहां पर सर्च करना है। जैसा कि मान लेते हैं कि आपकी वीडियो का टाइटल है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, मान लेते हैं कि आपकी वीडियो का यह टाइटल है कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो आपको यहां पर किस तरीके से सर्च करना है, बस यहां पर आपको लिखना है सब्सक्राइबर और उसके बाद यहां पर आपको आगे लिख देना है एक कीवर्ड यानी कि कैसे। जैसा कि मैंने आपको लिखा सब्सक्राइबर कैसे, तो उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि यूट्यूब हमें खुद इतने सारे कीवर्ड्स जो कि सजेस्ट कर रहा है कि आप इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वीडियो में। तो आपको यहां पर सर्च बार में आकर के अपनी जो कि पूरी वीडियो का टाइटल यहां पर सर्च नहीं करना है, बस आपको दो कीवर्ड्स या फिर तीन कीवर्ड्स मैक्सिमम यहां पर सर्च करना है। जैसा कि मैंने यहां पर सर्च किया कि सब्सक्राइबर कैसे, और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि इतने सारे कीवर्ड्स यूट्यूब हमें खुद रिकमेंड कर रहा है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो टॉप थ्री जो सबसे ऊपर टॉप थ्री यहां पर कीवर्ड्स दिख रहे हैं इन्हीं टॉप थ्री में से एक आपको सिलेक्ट करना है अपनी वीडियो को टाइटल के लिए। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल से उस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहां पर आपको क्लिक करके इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट ऑल करके इसको कॉपी कर लेना है। तो आपने क्या किया, कॉपी कर लिया। अब आपको ओपन करना है अपनी क्रिएटर स्टूडियो यानी कि YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जाना इस तरीके से कंटेंट वाले ऑप्शन में, और उसके बाद आपको अपनी वीडियो पर क्लिक करके देना, आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर आपको अपनी वीडियो का टाइटल दे देना है। इस तरीके से इसको पेस्ट कर देना, यानी कि जो आपने कॉपी किया है वहां से इसको यहां पर आपको पेस्ट कर देना है। तो यहां पर आपने अपनी वीडियो का टाइटल लगा दिया। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो में एक और जो कि एक और कीवर्ड हो तो यहां पर आपको क्या करना है, इस तरीके से स्पेस देना है और वहां पर फिर से जाके वहां से एक और कीवर्ड वहां से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है और यहां पर आपको आपको पेस्ट कर देना है। तो यहां पर आपने अपनी वीडियो का टाइटल कंप्लीटली लगा लिया है और यह सबसे प्रो लेवल का तरीका है अपनी वीडियो का टाइटल लगाने का। और इस तरीके का इस्तेमाल आज भी बड़े यूट्यूबर करते हैं और उनकी वीडियो पर मिलियन सब व्यूज आते हैं। यह जो तरीका है, इस तरीके से आपका वीडियो का SEO बढ़ता है यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काफी तेजी से इंक्रीज होता है और आपकी वीडियो सर्च रैंक में धीरे धीरे टॉप पर आने लगती है। फिर चाहे आपका चैनल नया हो पुराना हो कोई भी मैटर नहीं करता है, अगर आपने अपनी वीडियो में SEO सही से किया है तो आपकी वीडियो रैंक करेगी करेगी। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से अपनी वीडियो का टाइटल लगाएंगे। तो टाइटल तो आपने लगा लिया, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लगाएंगे, उसके बाद हम आपको लास्ट में टैग लगाना भी सिखा देंगे बिल्कुल प्रो लेवल से। तो अब आते हैं यहां पर डिस्क्रिप्शन पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे ऊपर यहां पर आपको अपनी वीडियो का टाइटल पेस्ट कर देना, यानी कि आपकी वीडियो का टाइटल जो कुछ भी हो यहां पर आपको पेस्ट कर देना है। और ऐसे ही मत पेस्ट कर दीजिएगा, यहां पर आपको लिखना है वीडियो टाइटल। वीडियो टाइटल लिखने के बाद आपको यहां पर पेस्ट करना है। यहां से हम चलते हैं बैक और यहां पर आप इस तरीके से हम अपने टाइटल को कॉपी करेंगे, देन यहां पर डिस्क्रिप्शन में आकर के यहां से इस तरीके से इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो आपको अपने वीडियो का टाइटल डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पर पेस्ट करना है, उसके बाद हम आगे के कार्यक्रम करेंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से नीचे आना है और यहां पर आपने पहला काम कर दिया और इंटर मार के आप नीचे आएंगे, देन यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको लिखना है अबाउट दिस वीडियो। जैसा कि मैं यहां लिख देता हूं अबाउट दिस वीडियो, अबाउट दिस वीडियो यानी कि इस वीडियो के बारे में, यानी कि आपने लोगों को क्या इस वीडियो में सिखाया है उस चीज़ों को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है जिससे YouTube आपकी वीडियो को समझ सके। और जब YouTube का एल्गोरिदम YouTube आपकी वीडियो को समझ पाएगा उसके बाद आपकी वीडियो को YouTube उन ऑडियंस के पास पहुँचाएगा जो कि आपकी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है, तभी आपकी वीडियोज के जो कि ऑडियंस रिटेंशन बनेगी, आपकी वीडियोज वायरल होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपनी वीडियो के बारे में बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपनी वीडियो के बारे में हिंदी में भी बता सकते हैं और इंग्लिश में भी बता सकते हैं। आप सीधा सा अपने में क्रोम ब्राउजर को इस तरीके से ओपन करेगा और यहां पर आपको लिख करके सर्च करना है AI YouTube
वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर क्या लिखना है, AI YouTube वीडियो डिस्क्रिप्शन इस तरीके से लिख करके सर्च करेंगे। उसके बाद आपको इस वाले साइट पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको आने के बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने वीडियो का में से एक कीवर्ड को यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि आप चाहें तो यहाँ पर टाइटल भी डाल सकते हैं, यहाँ पर हम कीवर्ड डाल देते हैं, जैसे कि हमारा कीवर्ड है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, और उसके बाद यहाँ पर भी हम लिख देते हैं वही सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड डाल देना है दोनों में, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देन दोस्तों ये जो साइट है ये AIN के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट द्वारा आपको ऑटोमेटिक रिकमेंड कर देगी कि आप इस चीज़ का यानी कि इस अबाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर सिंपल से आपको क्या करना है, कॉपी कर देना है, और ये आपकी वीडियो के बारे में एक्सप्लेन कर देगा YouTube को। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल से कॉपी करना है, देन आपको अपनी वीडियो में जाकर किस तरीके से इस यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके का इस्तेमाल मैं खुद करता हूँ और इससे काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है। तो आपको चाहें तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो अपने हाथ से भी टाइप कर सकते हैं अबाउट दिस वीडियो में। तो आपने इतना काम कर दिया, अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है रिलेटेड कीवर्ड्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिलेटेड कीवर्ड्स, और इसके अलावा आप चाहें तो लिख सकते हैं ऑडियंस सर्चेस या फिर कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है रिलेटेड कीवर्ड्स। और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड करने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, और इसी तरीके से आपको जो भी आपकी वीडियो का टॉपिक हो, जो भी आपकी वीडियो का टाइटल हो, उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको कीवर्ड्स इस तरीके से ऐड कर देने हैं। कीवर्ड्स ऐड करने के बाद अब आपको फिर से नीचे की तरफ आना है। देन यहाँ पर आपको लगाना है हैशटैग, यानी कि आपकी वीडियो का जो भी टाइटल टॉपिक कुछ भी हो उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको हैशटैग लगाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैशटैग सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, यहाँ पर ये हमारा एक हैशटैग हो गया। अब आपको दूसरा हैशटैग इस तरीके से लगा लेना है, तीसरा हैशटैग, चौथा, यानी कि मैक्सिमम 15 हैशटैग्स यहाँ पर लगा सकते हैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आपको एक वीडियो में मैक्सिमम 15 हैशटैग्स लगाने का जो कि वहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन आप चाहें तो 10 लगा सकते हैं, 10 से ज़्यादा 20 लगा सकते हैं, लेकिन 15 से ज़्यादा मत लगाइएगा। तो यहाँ पर आपने अपने वीडियो में हैशटैग भी लगा दिया। अब आपको यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, आप चाहें तो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम तब करते हैं जब हमने अपनी वीडियो में किसी का कुछ इस्तेमाल किया हो फेयर यूज के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से पर डिस्क्लेमर डाल देंगे। और अगर आपको नहीं पता है कि डिस्क्लेमर कैसे ऐड किया जाता है या फिर हम डिस्क्लेमर को कहां से लेकर के आएंगे, तो उसके लिए मैंने इसी वीडियो के जो कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वहां पर विजिट कर जाएंगे, और यूट्यूब हेल्प से वहां पर आपको डिस्क्लेमर लिखा हुआ मिलेगा, वहां से आप कॉपी करके यहां पर आपके आकर किस तरीके से पेस्ट कर देंगे, और ऊपर यहां पर आपको डिस्क्लेमर लिख देना है, उसके बाद यहां पर आप इसको पेस्ट करिएगा। तो बस इतना करने के बाद हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट कर दिया है। और अगर आप चाहें तो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि आपको ऐड करना चाहिए। बस आपको यहां पर काम की चीजें इस तरीके से ऐड कर देना चाहिए जो कि मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। तो यहां पर हमने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से वायरल टाइटल लगाएंगे, और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लगाने का भी बिल्कुल सही तरीका बता दिया है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से अपनी वीडियो का वायरल कीवर्ड्स लगाएंगे। कीवर्ड्स का मतलब कि आप अपनी वीडियो का टैग किस तरीके से लगाएंगे जिससे आपकी वीडियो रैंक करेगी। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, सिंपल से अपने फोन में इस तरीके से क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। अब क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहां पर हम एक वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे जो कि यूट्यूब से सर्टिफाइड भी है, और ये काफी साल से इसका इस्तेमाल हम खुद कर रहे हैं, सभी क्रिएटर्स कर रहे हैं, और अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है, उनकी वीडियो रैंक करती है। तो यहां पर सर्च बार में जाकर के हम यहां पर सर्च करेंगे रैपिड टैक्स जनरेटर। तो यहां पर लिखेंगे रैपिड टैक्स, ये वेबसाइट का नाम है फुल जो कि रैपिड टैक्स जनरेटर। तो आप सिंपल से लिखेंगे रैपिड टैक्स, यहां पर आपको ये वाली वेबसाइट दिख जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है, देन वेबसाइट के अंदर आप आ जाएंगे। उसके बाद आप चाहे तो यहां पर डैशबोर्ड मोड में जो कि इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, वरना आप नहीं चाहें तो यहां पर इस तरीके से आपको क्या करना है, यहां पर आना है, और यहां पर आपको अपनी वीडियो का टाइटल पेस्ट कर देना है कि आपकी वीडियो का टाइटल जो कुछ भी हो यहां पर आपको पेस्ट कर देना है। जैसे कि मेरी वीडियो का टाइटल है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। उसके बाद आपको यहां पर सर्च कर देना है। अब सर्च करने के बाद थोड़ी देर के बाद ये आपको जो कि वायरल कीवर्ड्स देगा जो कि आप अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका नाम ही रैपिड टैग्स। अब यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल से इस तरीके से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको अपनी वीडियो के टैग में जाकर के पेस्ट कर देना है। लेकिन अगर आप यूट्यूब स्टूडियो में जाते हैं तो वहां पर आपको पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर में उस तरीके से डैशबोर्ड मोड में ओपन करना है अपने वीडियो को, और वहां पर जाकर के आपको ऑप्शन मिल जाएगा टैग पेस्ट करने का, सिंपल से वहां पर आपको जाकर पेस्ट कर देना है। और इस तरीके से आपने बिल्कुल प्रो लेवल से अपना टैग भी लगा दिया है। तो मैंने यहां पर आपको टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगाने का बिल्कुल सही तरीका बता दिया है, और इसी तरीके का इस्तेमाल जो कि सभी बड़े यूट्यूबर करते हैं, बाकी अब से आप भी इसी तरीके का इस्तेमाल करिएगा। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।